तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडमी Y1 मॉडल है और यहाँ पे हेडफोन लोगो आ चुका है। इसमें काफी काम उन्होंने कर लिया है, हेडफोन जैक इन्होंने बदल दिया है और कुछ कंपोनेंट इन्होंने निकाल दिया है, कुछ लगा दिया है और इसके अलावा CPU वगैरह भी रिवॉल्व कर लिया है इन्होंने। आपको मैं मॉडल भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा एक बार। ये क्वालकॉम बेस्ड CPU है जैसा आप देख सकते हैं, रेडमी Y1 है। हालांकि कोई भी मॉडल हो अगर क्वालकॉम का CPU होता है जिसके अंदर, उसमें हमारी जो ऑडियो AC होती है फ्रेंड्स वो पावर AC के अंदर होती है और अगर पावर में नहीं रहेगी तो WCD एक अलग से IC देखने को मिलेगी आपको, वायरलेस कोडेक जिसे कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं हेडफोन यहाँ पे है जैक इसका, कोई भी यहाँ पे अभी हेडफोन लग के नहीं है लेकिन यहाँ पे अभी भी सिंबल आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको कैसे रिपेयर करना है क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमने बनाया है डायग्राम, अगर आपको इस तरह का सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। तो इसमें जो पावर AC लग के है PM8937 इसमें पावर है, जिसके अंदर ऑडियो AC जो है पावर AC के अंदर ही है, जिसको हम कोडेक सेक्शन कहते हैं ऑडियो सेक्शन को। और CDC जहां पे लिख के मिलेगा आपको, ये इसका पावर AC के अंदर एक कोडेक का सेक्शन होता है। काफी सारे सेक्शंस होते हैं पावर AC के अंदर, जैसे कंट्रोलिंग सेक्शन हो गया या ऑडियो सेक्शन हो गया, या इसमें पावर AC, एक पावर AC को बहुत सारे वर्किंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम पावर AC में जो है और भी सेक्शंस होते हैं, जैसे बक सेक्शन हो गया या फिर आपका कोर सेक्शन हो गया या LDO सेक्शन हो गया या फिर GPIO सेक्शन हो गया या ग्राउंड का सेक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे पावर AC के अंदर सेक्शंस होते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं ऑडियो सेक्शन की बात करते हैं, पावर AC का नंबर अगर डायग्राम में ढूंढेंगे आप, U0701, यू से जो होती है आपकी एक IC होती है। और ये हेडफोन जैक जो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ पे 6 पिन का हेडफोन जैक यहाँ पे है। जैसा आप देख सकते हैं पहला पिन हमारा ग्राउंड है, उसके नीचे जो है हेडफोन राइट जो आप ईयर ईयर राइट में यूज करते हैं, और दूसरा होता है हेडफोन लेफ्ट जो कि आप लेफ्ट ईयर में ये पिन यूज करते हैं। दोनों की सप्लाई अगर आप देखेंगे तो बीच में, दोनों के बीच में एक कॉइल लग के है नॉर्मल, दोनों में एक पैरेलल में कंपोनेंट लग के हैं जैसे कैपेसिटर यहाँ पे उतारा है। अगर सबसे पहले राइट पिन की बात करें फ्रेंड्स, तो एक कॉइल के थ्रू होते हुए एक पैरेलल कैपेसिटर के थ्रू होते हुए IC के अंदर अगर आप देखेंगे PM8937 में, तो ये 55 नंबर पिन में इस गोले के साथ आपकी हेडफोन राइट की पिन जो है कनेक्ट होती है। इसके अलावा अगर बात करें हेडफोन लेफ्ट की, तो बीच में एक कॉइल जुड़ के है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक पैरेलल में कैपेसिटर, और ये पिन अगर आप देखेंगे हेडफोन लेफ्ट की IC के अंदर 54 नंबर गोले के साथ आपकी ये पिन यहां पे जुड़ के होती है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है फ्रेंड इसका ऑडियो सेक्शन होता है पावर AC के अंदर, ये ऑडियो का सेक्शन होता है। यहां पे आपको 55 में राइट पिन हो गई हमारी ईयर स्पीकर, और 54 में हो गई ईयर स्पीकर की आपकी लेफ्ट पिन। इसके अलावा फ्रेंड बहुत मेन इंपॉर्टेंट पिन होती है हेडफोन डिटेक्शन, जिसकी वजह से हेडफोन का सिंबल आ जाता है, हेडफोन का लोगो आ जाता है। होता क्या है फ्रेंड, दो तरह के हेडफोन जैक आते हैं, यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक में क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे लेफ्ट ऑलवेज हेडफोन लेफ्ट और डिटेक्शन पिन आपस में किसी किसी में कनेक्ट होती हैं। जैसे आप यहां से हेडफोन डालेंगे तो ये हेडफोन की जो पिन डालेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और आपका ऊपर सिंबल आ जाएगा, और कुछ मॉडल में ये आपस में पहले से अलग होते हैं और जैसे आप हेडफोन का यहां पे पिन डालेंगे तो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद आपका हेडफोन जो है यहां से डिटेक्ट होगा। और ये जो लाइन हेडफोन डिटेक्शन की लाइन है फ्रेंड्स, ये आपको 80 नंबर पिन में जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं 80 नंबर पिन जो दिख रहा है आपको, 80 नंबर बॉल जो दिख रहा है IC के अंदर, तो ये हमारा हेडफोन डिटेक्शन पिन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सीरीज में आपको यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर देखने मिलेगा जो कि हाई वैल्यू का रजिस्टर है, जिसका अगर वैल्यू देखेंगे आप R1107 इसका वैल्यू है, यहां पे देख सकते हैं हेडफोन डिटेक्शन पिन। इसके ऊपर अगर देखेंगे फ्रेंड्स आप, ये FM की पिन होती है, यहां पे भी आपको बजर मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा, और ये जो पिन कनेक्ट होती है जाके आपके WCN Wi-Fi IC के पास ये कनेक्ट होती है, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। तो WCN IC के साथ ये FM की पिन होती है, जो आप FM भी यूज करते हैं इसके साथ, रेडियो वगैरह सुनते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप हेडफोन जैक यहां पे कनेक्ट करते हैं तो हेडफोन से जब आप बात करते हो तो माइक के लिए एक पिन चाहिए, यहां पे आप देख सकते हैं माइक
इन पॉजिटिव टू बोल के लिख के, क्योंकि पॉजिटिव वन जो है मेन माइक और सब माइक प्राइमरी माइक, तीन माइक की सप्लाई आपको इस ऑडियो पावर आईसी के अंदर मिलेगी। तो इस माइक के अंदर आप देखेंगे तो बीच में सीरीज में एक कॉइल लग के है जो कि B1109 जो कि नॉर्मल कॉइल होता है। उसके बाद एक डायोड लग के है यहाँ पे FE1106 के साथ। अगर ये पिन शॉर्ट हो जाती है तो भी आपका, या फिर ये डायोड शॉर्ट हो जाता है या कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो ये माइक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो एक सीरीज में कॉइल मिला है माइक की सप्लाई में, दूसरा डायोड, तीसरा कैपेसिटर, और ये माइक की सप्लाई जो हेडफोन के लिए आती है फ्रेंड्स पावर आईसी के अंदर ऑडियो सेक्शन में से 108 नंबर पिन से आपको यहां पे देख सकते हैं ये माइक की सप्लाई यहां पे आपको इस कनेक्टर के साथ जुड़ी होती है। तो ये एक हमने डायग्राम बनाया फ्रेंड्स इस हैंडसेट में, अभी जो हमने यहां पे डायग्राम आपको बताया फ्रेंड्स, इस मॉडल का हमने डायग्राम आपको बना के बताने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मॉडल का हमने डायग्राम बनाया। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा जो कनेक्टर है, ऑलरेडी स्टूडेंट ने इसका कनेक्टर भी चेंज कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम अभी स्टेप बाय स्टेप चेक करें, और इसमें अभी ये जो फोन है फ्रेंड्स ये स्टूडेंट का ही फोन है, इनका मैं वीडियो के एंड में इनका भी रिव्यू डालूंगा स्टूडेंट का जो फोन लेकर साथ में आए। तो ऐसे को बहुत सारे फोन हमारे पास बच्चे लेकर आते हैं जिनके पास से लेकर के हम आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने के लिए, पहले डायग्राम वगैरह बनाना होता है, सारी चीज चेकिंग करनी होती है, उसके बाद इसको रिपेयर करके आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इस मॉडल में मैं आपको बता दूं, जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो हेडफोन डिटेक्शन की पिन में हमको फॉल्ट मिला, और उसके बाद ये जो आईसी है ये पावर आईसी इसका ऑडियो आईसी है, तो हम इस पे भी काम किए। तो आपको वीडियो में पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, ये एक वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, सारी चीज आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, वीडियो अच्छे लगे फ्रेंड्स इस तरह के काफी सारे वीडियोस हम बना रहे हैं, चैनल पर डाल रहे हैं, जरूर अपना प्यारा सा कमेंट दें, क्योंकि आपकी खिदमत में हम लोग यहां से इस तरह के वीडियोस बना बनाकर लेके आ रहे हैं ताकि आपको घर बैठे सोल्यूशन मिलता रहे फोनफिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। जरूर कमेंट करें ताकि हम और भी मोटिवेट हो, और भी इस तरह के वीडियोस लेके आएंगे, और भी मेहनत करेंगे, और भी आपको सोल्यूशंस देने की कोशिश करेंगे। और अच्छे से सीखना है तो आप आना चाहे तो पूरे इंडिया में काफी सारे इंस्टीट्यूट है, कहीं भी जाइए आप, लेकिन एक प्रॉपर एक सही वे में नॉलेज लीजिए, हैंड स्किल के साथ साथ सर्किट की नॉलेज लीजिए, तभी जाकर के आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास से काम वापस चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको कैसे चेक करना है सारी चीज चेक करके बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप आपको। तो यहां पे फ्रेंड हेडफोन लेफ्ट के साथ जो डिटेक्शन पिन है, हम हेडफोन डालने के बाद ये आपस में कनेक्ट होना चाहिए, और हेडफोन निकालने के बाद ये लाइन ओपन हो जानी चाहिए, तभी आपका ये आपका हेडफोन काम करेगा। दूसरा फ्रेंड ये लाइन हमारी ओके रहनी चाहिए पावर आईसी के साथ, मतलब ऑडियो सेक्शन के साथ। अगर आपको यहाँ पे कोई कंपोनेंट मिसिंग होता है या कोई लाइन शॉर्ट होती है तो भी हेडफोन का लोगो ऊपर आ जाएगा, या हेडफोन जैक खुद खराब हो जाए तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, या डिटेक्शन पिन में शॉर्टिंग आ जाए या लाइन ओपन हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा ये जो पावर आईसी है फ्रेंड्स इसमें वूफर वगैरह कनेक्ट करने की वजह से ऑडियो का जो सेक्शन है, ऑडियो का जो ब्लॉक है वो डैमेज हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको वोल्टेजेस मिलेंगे, जीआर मिलेंगे, लेकिन फिर भी हेडफोन का जैक या फिर स्पीकर वगैरह काम नहीं करेगा, ऐसे में आपको डायरेक्टली ऑडियो आईसी ही चेंज करनी है। तो चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताता हूं क्या प्रॉब्लम है, और ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। पहला पिन इसका ग्राउंड है, और दूसरी पिन इसकी ईयर स्पीकर राइट है, और नीचे से तीन नंबर इसकी लेफ्ट पिन है, और सामने की जो है डिटेक्शन पिन है जो कि ऑयल आ रही है, और ग्राउंड और ऊपर जो है माइक की सप्लाई। यहाँ पे फ्रेंड्स जो लोगो आता है वो ईयर स्पीकर लेफ्ट और डिटेक्शन पिन की वजह से, जो कि तीन नंबर और चार नंबर यहाँ पे है, अगर हम लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तो नीचे के जो दो पिन है जो आमने सामने ये देख सकते हैं, ये अभी आपस में बीप नहीं मार रहे हैं, इस तरह का इसमें सर्किट दिया गया है। और जब इसमें हम हेडफोन का जो पिन होती है वो लगाते हैं तो ये देख सकते हैं हेडफोन पिन हमने लगा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आपस में बीप मार रहे हैं, मतलब हमारा कनेक्टर तो ओके है, बट फ्रेंड्स ये लोगो आने का यहाँ पे कुछ और भी कारण हो सकता है। देखिए कनेक्टर तो ये इन्होंने ऑलरेडी रिप्लेस कर लिया है, सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, एमएमसी रिवॉल्व कर दिए हैं, कुछ कॉम्पोनेंट आसपास से यहाँ से रिमूव कर दिए उन्होंने, अभी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो तब इस तरह का काम करते हैं। तो दो तरह के कनेक्टर्स आते हैं जो कि ऑलरेडी कुछ लेफ्ट ईयर स्पीकर लेफ्ट और हेडफोन डिटेक्शन पिन, ये जो रेड
फोर्थ नंबर की जो पिन देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, हेडफोन डिटेक्शन पिन है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया है। यहाँ पे इस लाइन में एक R11071K का एक रजिस्टर है, उसके थ्रू ये लाइन इस आईसी की 80 नंबर बॉल में जाती हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स जब हमने इसको ट्रेस किया, फाइंड आउट किया, तो राइट साइड में काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट मिसिंग है, क्योंकि जो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट में वैल्यू वगैरह नहीं आता है हाई वैल्यू के रेजिस्टर्स में, तो उसको रिमूव कर देते हैं, या कभी लो वैल्यू के रेजिस्टर्स में बजर आती है तो उसको निकाल देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ तक तो ट्रैक ओके है इसकी। अगर हम कूल टेस्टिंग करते हैं रजिस्टर के दूसरे साइड में, यहाँ पे GRR है 630 के आसपास, जैसा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो GRR है फ्रेंड्स हेडफोन डिटेक्शन पिन का, ऑडियो आईसी के अंदर 80 नंबर बॉल से यहाँ तक GR तो आ रहा है, बट ये GR जो है फ्रेंड्स बीच में से हाई वैल्यू का रजिस्टर सीरीज में से निकाल देने के कारण हेडफोन डिटेक्शन पिन तक ये GR यहाँ पे जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक दूसरे मदरबोर्ड से एक 1K का रजिस्टर यहाँ पे निकाला है, और सबसे पहले इसको लगाते हैं। और ये जो फ़ोन हम रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में लाइव क्लास के अंदर है, अभी ही वीडियो के एंड में आप उनका रिव्यू भी सुनेंगे, जो कि बंगाल से है ये स्टूडेंट, अपने साथ ये फ़ोन लेके आए थे, काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं दोस्तों। मार्केट में बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है, टेक्नीशियन भाइयों को देखा है, आईसियाँ वगैरह पे तो वो काम कर लेते हैं, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग में फंस जाते हैं, लाइन ट्रेसिंग में फंस जाते हैं, सर्किट को समझने में वो फंस जाते हैं, आधी अधूरी नॉलेज होती है तो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर डायोड वगैरह भी मिसिंग है, साथ ही साथ ये रजिस्टर भी इन्होंने निकाल दिया था। हालांकि फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे ये रजिस्टर का ही फॉल्ट नहीं ही है इसमें, सबसे पहले हम ये रजिस्टर को लगाएंगे, उसके बाद जो GR है हम आपको कूल टेस्टिंग करके हेडफोन डिटेक्शन पिन पे इसका जो GR आना चाहिए वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपको बता देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं काम आपको बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स डीपली नॉलेज अगर आपको चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है इसमें फ्रेंड्स, इस मॉडल को हमने कूल टेस्टिंग मेथड से बनाया है, हालांकि आपको हॉट टेस्टिंग भी करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स रजिस्टर लगाने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, अभी आप देख सकते हैं 1700 के आसपास यहाँ पे GR आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने रजिस्टर लगा दिया है, ये लाइन तो ओके हो गई है फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी चेक करेंगे कि हेडफोन का लोगो गया कि नहीं गया, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे बार आपने देखा होगा आप लोग ट्वीज़र वगैरह से शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद लोगो तो चला जाता है लेकिन फिर हेडफोन काम नहीं करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रॉपर अगर वर्क करना है आपको, पूरा इंटरनल सर्किट के अच्छे से नॉलेज लेनी है आपको और अच्छे से रिपेयर करना है, हेडफोन भी अगर आपको काम करवाना है इसका तो सही से रिपेयर करना होगा। शॉर्टकट मेथड करने से आपका लोगो तो चला जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन हेडफोन काम नहीं करेगा, और अगर दूसरा टेक्नीशियन इसको बना के दे देता है तो कस्टमर आपका हमेशा के लिए आपके पास से चला जाएगा, सोचेगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूँगा, रजिस्टर लगाने के बाद में डिटेक्शन पिन तो इसकी ओके हो गई, और अभी हमारा लोगो जाता है कि नहीं जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो बिल्कुल स्किप मत करें, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ही पॉइंटेड बातें बोलता हूँ आपको, तो जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आगे जाकर रिपेयर करने के लिए। दोस्तों इसको इसमें हमने कूल टेस्टिंग मेथड से इस हैंडसेट को रिपेयर किया है, कि लाइन में रजिस्टर मिसिंग था, रजिस्टर तो हमने डाल दिया है, अब फ़ोन में देखते हैं लोगो हमारा जाता है कि नहीं जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइन ब्रेक हो जाने के कारण या लाइन शॉर्ट हो जाने के कारण भी, या फिर कनेक्टर ख़राब हो जाता है तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सीरीज़ का कंपोनेंट मिसिंग हो गया, या कोई पैरेलल कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, या कनेक्टर वगैरह लूज़ हो जाता है, या तो फिर ऑडियो आईसी से भी प्रॉब्लम होता है। अभी हम इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, अगर अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम इसका डायरेक्टली जो है ऑडियो आईसी रिप्लेस करके आपको बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, वूफर वगैरह कनेक्ट करने की वजह से जो कार वाले होते हैं, जो रिक्शा वगैरह ऑटो वाले होते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी भी बरकरार है, यहाँ पे कोई भी हमारा लोगो यहाँ से नहीं गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए पीसीबी को हम बाहर निकाल लेते हैं, और अब हम इसका चेंज करने वाले हैं ऑडियो आईसी, जो कि इसका मेन पावर आईसी है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छे से सीखना है ज्वाइन कर सकते हैं आप फोन फिक्स हैदराबाद, क्योंकि ऑन मोबाइल पे ही आपको काम करना होगा फ्रेंड्स, हर मोबाइल आपके पास डेड नहीं आएगा, इसके लिए आपको अपना हैंड स्किल अच्छे से बनाना है, आईसीओं की नॉलेज आपको रखनी है, सर्किट की नॉलेज आपको रखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं पावर एसी में काफ़ी सारा पेस्ट डाला हुआ है, और इसके CPU भी निकाल के लगा दिए, EMC भी रिवॉल्व कर दिए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं दूसरा पावर हमने रिवॉल्व करके रखा है, ये वाला पावर अभी इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले इस पावर को निकाल लेते हैं, और उसके बाद PCB को क्लीन करेंगे, और
क्योंकि पावर आईसी का सेक्शन जो है इसी ऑडियो आईसी का सेक्शन इसी के अंदर है, तो पूरा का पूरा पावर आपको बदलना होगा। अगर आपके पास WCD वायरलेस कोडेक अगर से अलग से होती WCD, तो हम पावर पे काम ना करते हुए ऑडियो आईसी पे काम करते, क्योंकि अभी इसी में ऑडियो है तो हम ये पावर आईसी को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पावर आईसी को मैं रिमूव कर लेता हूँ। देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने रिमूव कर लिया है, और इसके PCB को हम क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा पावर आईसी डालूंगा। ये पावर को यहीं पे मैं सामने रखता हूँ आपके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। PCB को भी आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव क्लास में है, और हमारे पास कोई भी इंस्टीट्यूट का फ़ोन नहीं होता है फ्रेंड। जितने भी हम फ़ोन रिपेयर करते हैं यहाँ पे, जो रिपेयरिंग के लिए आते हैं या तो फिर स्टूडेंट साथ में लेके आते हैं, उन्हीं का फ़ोन हम यहाँ पे लाइव रिपेयर करके स्टूडेंट के सामने ही फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, उन्हीं से चेक करवाते हैं, उन्हीं से सर्किट डायग्राम बनवाने लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल पे, प्रो लेवल पे, चिप लेवल पे, एक प्रोफेशनल लेवल पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पे पावर आईसी के जो नीचे के पैड्स है PCB पे, इसको हाफ इस साइड से क्लीन करते हैं और बोर्ड को घुमा करके ऊपर से कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीन, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्लीन करने में बच्चे क्या करते हैं, एक ही साइड से करने जाते हैं और आसपास के रजिस्टर्स कैपेसिटर्स वगैरह जो है मिसिंग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें काम करने के टाइम पे, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, एक पेशेंस के साथ काम करें, क्योंकि ये हमारा जो काम है टेक्निक का काम है, ट्रिक्स का काम है, इसमें आपका स्किल का काम है, इसमें ताकत वगैरह नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे पावर आईसी हमने अच्छे से क्लीन कर ली है, जैसा कि देख सकते हैं आसपास में कोई भी रांगा वगैरह फंसा नहीं होना चाहिए, नीचे से कोई भी रांगा जो है किसी भी बॉल में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद हम पावर एसी को यहाँ पे बिठाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या कोई और प्रॉब्लम आती है या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका स्पीकर वगैरह भी नहीं बजता है, रिंगर भी नहीं बजता है, बट नीचे आपको GR तो मिलेगा, उसके बाद जब गाना वगैरह प्ले करोगे तो आप वोल्टेज भी मिलेगा, बट फ्रेंड्स यहाँ पे ऑडियो का डाटा, जो ऑडियो का सिग्नल है वो अगर नहीं आएगा तो आपका साउंड वगैरह नहीं काम करेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हेडफोन का जो सिंबल आ रहा है ऑडियो आईसी के अंदर, ऑडियो का सेक्शन डैमेज हो जाने के कारण, क्योंकि वूफर वगैरह कनेक्ट कर देने के कारण, ऑन कंडीशन में वूफर का पिन कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे में ऑडियो कोडेक जो है वो यहाँ से डैमेज हो जाता है। ऐसे में आपको पूरा का पूरा पावर आईसी ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेपरेट आईसी होती, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं येलो कलर के मार्क है, इससे हमको मैच करना है। और ध्यान रखें CPU है, MMC है, साइड में आसपास में कॉम्पोनेंट है, कोई भी मिसिंग, मिसप्लेस या ओवरहीट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक हैंड स्किल टेक्निक का काम है, ये सब IC वगैरह लगाना बहुत बेसिक काम है फ्रेंड्स, अगर आप फोन ट्रिक्स हैदराबाद को ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो इस तरह का काम हम आपको 2 से 3 दिन के अंदर 4G का CPU डन करवाते हैं हर बच्चे से, चाहे वो फ्रेशर हो या पहले से काम कर रहा हो। ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डुअल डेकर के बोर्ड देते हैं प्रैक्टिस के लिए, लैपटॉप देते हैं, मदरबोर्ड देते हैं, रहने के लिए रूम फ्री देते हैं, इतना सब कुछ शायद ही इंडिया में इतनी कम फीस में कोई और इंस्टीट्यूट आपको देगा। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो भी होता है फ्रेंड्स पूरा 100% प्रैक्टिकल काम हम सिखाते हैं, बच्चों के साथ रह के काम करते हैं। इस वीडियो के एंड में आप सुनेंगे स्टूडेंट जो फ़ोन ये लेकर आए क्या क्या काम किए वो आपको बताएंगे, ज़रूर सुने। ये बंगाल से है स्टूडेंट, 5 सितंबर बैच के, उन्हीं का फ़ोन है। तो यहाँ पे हम क्लास में लाइव उनको रिपेयर करके भी बता दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ से आ सकती है। तो फ्रेंड लाइनों की, सप्लाइयों की नॉलेज होगी आपके पास, बेसिक कंपोनेंट्स की नॉलेज होगी आपके पास, बेसिक GR और वोल्टेज मेजरमेंट कहाँ कितना आना चाहिए नॉलेज होगी, तो ज़रूर आप कोई भी हैंडसेट रिपेयर कर सकते हैं। चलिए एक बार हैंडसेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। DC से मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इसका बैटरी जो है अभी चार्ज नहीं है हमारे पास, इसलिए बैटरी हमने रख दिया है। अब देख सकते हैं दूसरा ऑडियो AC, दूसरा पावर AC हमने चेंज किया है। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स 10 आवर्स प्रैक्टिकली क्लास होती है, जिसमें 3 घंटा सर्किट डायग्राम, लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग बताते हैं और 7 से 8 घंटा आपको हैंड स्किल का काम कराते हैं, जिसमें आपका IC रिवॉल्विंग IC लगाना निकालना बहुत ईजी हो जाता है आपको। तो चलिए फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं
सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ होते हैं, लाइव वीडियो होता है, स्टूडेंट्स के ही सेट होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारी चीज़। कोशिश करते हैं जेन्यून बताने की, और कोशिश यही होती है हमारी कि बच्चों को सोल्यूशन मिले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, और ऑन होने के बाद देखते हैं कि हमारा हेडफोन का लोगो है वो जा चुका है कि नहीं जा चुका है। तो वीडियो स्किप मत करें, ज़रूर पूरा देखें, और लास्ट में स्टूडेंट का रिव्यू भी सुने कि वो क्या कहते हैं, कैसा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या ये हैंडसेट पे क्या क्या काम उन्होंने किया था। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लोगो यहाँ से जा चुका है। वीडियो पूरा एंड तक देखें, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा अभी लाइव रिपेयर कर रहे हैं हैंडसेट को, और ये जो फोन है ये हमारे भाई का ही है। आप कहाँ से है थोड़ा बताओ? मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद आपका ही ना फोन? साथ में लाए थे अपन जब लाइव क्लास पढ़ रहे थे, हेडफोन जैक ऑडियो वगैरह, तो लाइव रिपेयर करे इसको। तो ऐसा तो नहीं है इंस्टीट्यूट का फोन है? नहीं नहीं, या हमारी कुछ कंपोनेंट हटा दिया, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप करें अपन। तो ये जो ऐसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ऐसा आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं बनाना, क्लास में भी अपन बना रहे हैं इस तरह का। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये फोन हमारा तो नहीं होता, नहीं सर। तो लाइव हम रिपेयर करेंगे इसको सामने, तो समझ में आया था आपको क्या फॉल्ट था क्या। अच्छा आप यहाँ लाने से पहले कुछ कोशिश करें रिपेयर करने की उसको? मेरे तो इतना भी ज्यादा नॉलेज नहीं था, मैंने बोलने का आइडिया सॉल्यूशन से जितना भी नॉलेज था, कुछ कुछ कंपोनेंट मैंने निकल दिया, हेडफोन जैक भी मैंने निकल दिया था। मेरे को लगा कि इधर अगर शॉर्टिंग से हेडफोन सिंबल आ सकता है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया था, उसको बाहर भी निकल दिया था। तो उसमें एक रजिस्टर मिस था अपना, एक रजिस्टर भी मिस था। और उसके बाद क्या चेंज करे अपन ने उसमें? उसके बाद एक और बोर्ड से हेडफोन जैक लगाया, जैक भी चेंज करे। उसके बाद चेक किया और हम लोगों को पता चला कि उसका जो फॉल्ट था वो पावर एसी से, पावर एसी भी फॉल्ट था। पावर एसी चेंज करने के बाद वो एकदम ओके, एकदम ओके हो गया। ठीक है, जैसा फ्रेंड्स आप देखे ये अपने साथ, पहले कोशिश भी करिए रिपेयर करने की, कंपोनेंट्स वगैरह मिसिंग हो गए थे, हेडफोन जैक भी चेंज कर लिए थे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हेडफोन जैक का प्रॉब्लम था, वो भी चेंज कर दिया, सीपीयू भी रिवॉल्व मार दिए थे आपको? मैंने बस सीपीयू और एमएमसी दोनों को रिवॉल्व कर दिया, सीपीयू और एमएमसी भी रिवॉल्व कर दिए थे। अगर प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा बहुत आप ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो अगर अच्छे से सीखना है आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।